देखिए, इनफैक्ट क्या है कि गोपाल जी का तो अपना बात करने का एक अंदाज है, हमको बहुत आश्चर्य भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कई बार इस तरह का अपना जो है वक्तव्य दे चुके हैं और मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य तब लगता है जब अपने दल के नौगछिया भाजपा जिला के अध्यक्ष वो बैठकर उनके आवास पर सामने में ये बात उन्होंने उनसे बुलवाया है। ये प्रमाण है मेरे पास, विनोद मंडल जी का, जिलाध्यक्ष जी का प्रमाण है कि वो ये इस तरह की बात उनके सामने में बैठ के, चूँकि चुनाव के समय क्या हुआ कि विनोद मंडल जी भाजपा के सारे कार्यकर्ता को गोपाल मंडल जी को ये कह के कि ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सबको हटा दिया और एक छत्र जो है विनोद मंडल जी गोपाल जी से सट के भाजपा कार्यालय में जदयू कार्यालय का ऑफिस खोल दिया और वहाँ से सब सिस्टम वो अपना हाथ में ले लिया। चुनाव के पहले वो पूरा मेरा विरोध किए थे विनोद मंडल जी, सक्सेस नहीं हुए, हम चुनाव जीत गए और जिसके वजह से वो अब गोपाल मंडल जी के फेथफुल्ली भाजपा जिलाध्यक्ष हो गए। तो वो चाह रहे हैं कि अब हम तो इंजीनियर साहब से कोई बात नहीं कर पाएंगे, तो क्यों नहीं गोपाल मंडल जी से हम इनको धौंस दिलवा दें। अब सोचिए, मेरा अपना कार्यालय भाजपा का और खुद जिलाध्यक्ष बैठ के कहवा रहे हैं कि उनको कहिए यहाँ नहीं आवे, बीहपुर की राजनीति करें। हमको राजनीति तो भी बीहपुर की करनी है, लेकिन संगठन जिला तो मेरा नगछिया है, तो हम तो प्रदेश हमको बोलती है कि आप गोद लीजिए अपने बगल के विधानसभा को, वहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान कीजिए। अब ऐसे में कैसे हम लोग अपने जिलाध्यक्ष पर विश्वास करें? अब गोपाल जी पे हमको बहुत आश्चर्य नहीं लग रहा है, चूँकि चार बार के विधायक रहे हैं, वो कैसे बोले वो आपको खुद मैंने बताया, उनका बहुत बार वक्तव्य आया है। इसलिए कल भी रोहित पांडे जी के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला, मेरे साथ भी उन्होंने बोला है कि वो बोलते बोलते बोल दिए कि हम तो चाह रहे थे पवन चौधरी, जबकि मिश्रा बोलना चाहिए उनको कि हम तो चाह रहे थे पवन मिश्रा को टिकट, लेकिन रोहित पांडे को दे दिया इसलिए हार गया, हमको पूछा नहीं नाथनगर के बाद। तो क्या कीजिएगा, उनका अपना बोलने का ढर्रा है, हम उनके वक्तव्य पर बहुत आश्चर्य नहीं कर रहे हैं।